बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू द सिलाई कढ़ाई एक फन यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू ऑल गाइस? आई होप यू ऑल आर ग्रेट एंड फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सो आज की वीडियो जो है वो एक बहुत खूबसूरत बेबी गर्ल का हैंड एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस है, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं एंड ये वीडियो आप लोग फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं मेरी चैनल पर, तो काइंडली मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। उसके साथ ही बेल आइकन का बटन होगा, बेल आइकन घंटी बनी हुई होगी, आप उसे क्लिक कर दें ताकि मेरी कमिंग हर तरह की कमिंग आने वाली हाथ की कढ़ाई की, छोटे बच्चों की, बड़ों की जो वीडियोज़ होंगी वो आप तक पहुँच सकेंगी, वो आपकी वॉल पर ईजीली आ जाएंगी और आप मेरी हर वीडियो जो है वो देख सकेंगे। सो आज की वीडियो में जो हाथ की कढ़ाई का बेबी गर्ल का ड्रेस है, कंप्लीट वीडियो है आज की वीडियो में, जो है वो कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग पूरा का पूरा मैंने काम दिखाया है कि किस तरह से आप लोग कढ़ाई करें, कौन सा धागा हम लोग यूज़ कर रहे हैं एंड मिरर यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, उसके अलावा क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो आप लोग वॉच कीजिएगा, मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि आज की ड्रेस कितना प्यारा एंड ज़बरदस्त है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस ड्रेस पर जो है वो हमने डिज़ाइनिंग नहीं की थी, विदाउट डिज़ाइनिंग के हमने काम किया था, क्योंकि जो विदाउट डिज़ाइनिंग के आर्टिसंस काम कर सकते हैं तो वो विदाउट डिज़ाइनिंग की करती हैं, जो डिज़ाइनिंग के बगैर नहीं काम कर सकती तो ऑब्वियसली उनको डिज़ाइन बना के दिया जाता है ताकि वो डिज़ाइन के साथ काम करें। पर ये जो ड्रेस बना रही थी वो विदाउट डिज़ाइन ही बना सकती थी, शी इज़ एक्सपर्ट, सो इसीलिए हमने कोई डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं की थी। सबसे पहले जो धागे यूज़ हो के वो अपने दो कलर किस्म के धागे मैंने दिखाए थे, वन इज़ वाइट एंड वन इज़ ऑफ वाइट। वाइट इस पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, सो इसीलिए मैंने वाइट दिखाया, वाइट एंड ऑफ वाइट में थोड़ा डिफरेंस है, तो वाइट बिल्कुल भी हम लोग नहीं यूज़ कर रहे, हम लोग इस पर जो है वो ऑफ वाइट धागे के साथ काम करेंगे एंड उसके साथ जो है मिरर्स वगैरह कुछ भी हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, बिकॉज शीशे वाले ड्रेसेस जो होते हैं वो थोड़े हैवी में आ जाते हैं, थोड़े हैवी ड्रेसेस में आ जाते हैं, तो गर्मियाँ भी आ रही हैं, बच्चे इतने हैवी नहीं कैरी कर सकते और हमें चाहिए भी सिंपल था, जिनका ड्रेस था उन्हें भी सिंपल ही चाहिए था, तो इसीलिए हमने शीशे तो ये नहीं यूज़ किए, लेकिन शीशों की जो जगह है वो हमने सितारा को दे दी, सीक्वेंस लगा लिया उस जगह पर, सो वो एक जो है वो कमी सी जो थी शीशों की वजह से, मिरर्स की वजह से, तो वो भी एक सही हो गया था, ड्रेस भी अच्छा लग रहा था, शाइनिंग भी आ रही थी, तो सीक्वेंस हमने यूज़ किए थे। सीक्वेंस जैसे कि आप लोगों ने देखे कि एज़ ऑलवेज हम लोग जो सीक्वेंस यूज़ करते रहते हैं बच्चों के ड्रेसेस पर भी एंड बेबी बॉयज़ के जो कुर्ते हम लोग बनाते हैं उन पर भी यही सितारा जो है वो यूज़ होती है। ये सितारा बेसिकली आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी, आप लोग भले कोई भी शॉप ढूंढ ले, मुझे तो बेसिकली हमें तो कहीं से भी इस तरह की सितारा नहीं मिलती, बट आई डोंट नो अगर आपको कहीं से मिल सकते तो आप ले लें, वरना ये शॉप वाले खुद उन्होंने कहा है कि ये सितारा कहीं से भी नहीं आपको मिलेगी, ये बेसिकली कपड़ों पर ही मिलती है, हम लोग जो रेडीमेड ड्रेसेस लेते हैं उन पर ही मोस्टली ये सितारा हमें नज़र आती है, उन्हीं ड्रेसेस पर ही लगी होती है। अगर आपका जो है वो कोई भी ड्रेस है जो कि नहीं पहना जाता तो उस पर अगर लगी हुई है तो आप लोग उस ड्रेस को सितारा निकाल कर फिर उन्हें जो है वो यूज़ किसी भी ड्रेस पे कर सकते, तो हमारा भी बेसिकली हमने भी यही किया है। सो ये इसको बहुत ही अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है, शाइनिंग भी आती है, डिसेंट भी लगती है, ज़्यादा हैवी भी नहीं लगती, तो इसीलिए हम लोग यही सीक्वेंस यूज़ करेंगे और यही सीक्वेंस जो है वो हमारे इस ड्रेस पर भी यूज़ होगी। सो हमने एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट कर दी है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग करेंगे नेक पर काम, जैसे कि नेक पर सबसे पहले तो एक काम की हमने जस्ट लाइक लाइन बना ली थी, उसके बाद जो है वो फर्दर काम किया था। सो ये लाइन जो है वो बहुत ही आसान है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, अगर आप लोग जो है वो गौर से देखेंगे और कंटिन्यूसली वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये काम किस तरह से किया गया है। इस ड्रेस के पैनल्स पर भी काम था एंड स्लीव्स पर भी काम था, स्लीव्स बेसिकली स्लीवलेस थी, स्लीव्स तो नहीं थी, शर्ट जो है स्लीवलेस थी, बट उसके राउंड में हमने जो है वो स्लीवलेस की स्लीव्स की राउंड में हमने वो काम किया था, जो कि बहुत ही अच्छा खूबसूरत लग रहा था। Thank you.
एंड एम्ब्रॉयडरी जो है वो नेक की फर्स्ट जो लाइन थी वो हमने कर दिया है काम। हमने बेसिकली जो सिरी में धागे जो हमने डाले थे वो तीन डाले थे। या आप लोग चाहते हैं और भी, अगर आप लोग चाहते हैं कि एम्ब्रॉयडरी को और भी इन्हेंस हो और भी आप लोगों को जो है वो थिक काम चाहिए, मोटा मोटा काम चाहिए, तो आप लोग जो है वो धागा और भी डाल सकते हैं, ट्रिपल कर दें या चार धागे कर दें या पांच कर दें, इट्स टोटली अप टू यू। और हमने जो है जस्ट ऑनली तीन ही धागों के साथ काम किया था। और इसके बाद जो है वो हम लोग ये वाला काम कर रहे हैं। इसके बाद जो काम होगा वो ये है, अब वीडियो जो है वो स्टक हो जाएगी, कुछ ही देर बाद वीडियो यहीं पर ही रुक जाएगी। और रुकने की वजह ये है, वजह तो मुझे पता नहीं है कि क्यों वीडियो स्टक हो गई और चल ही नहीं रही। मैंने बहुत कोशिश की बट वीडियो इज़ नॉट वर्किंग, आई डोंट नो व्हाई। वो शायद मेरे मोबाइल में कोई इशू हो गया था या किस वजह से वीडियो का ये जो क्लिप है, ये जो नेक पर काम मैंने किया था, जो रिकॉर्डिंग की थी, ये क्लिप बेसिकली स्टक हो रहा है बार बार और वीडियो नहीं चल रही। सो सॉरी फॉर दैट। और मुझे नहीं पता कि ये क्यों इस तरह से हो रहा है। बाकी अगर इसके बाद की एम्ब्रॉयडरी की बात करूँ तो वो बेसिक ही एम्ब्रॉयडरी थी। इसके साइड में जस्ट ओनली तीन चार जैसे टांके लगाते हैं, तीन इस साइड लगाए थे इस एम्ब्रॉयडरी के राइट साइड पे, तीन टांके लगाए थे एंड लेफ्ट साइड पर भी तीन टांके लगाए थे। एंड उसके बाद सच कुछ ऐसा हमने नहीं किया था। एंड बीच में जो अभी आप लोग काम दिख रहे हैं, दैट्स अ फ्रेंच नोट, जो फ्रेंच नोट होते हैं बीच में, एक हमने फ्रेंच नोट लगाया था। एंड राइट एंड लेफ्ट साइड पर जो मैं आपको काम बता रही हूँ हमने वो किया था। एंड इसके फ्लावर के बीच में जो है वो तीन सितारा करके लगाई थी, बस यही हमने काम किया था। और इसके बाद ये काम जो है बहुत यूनिक लग रहा था, बहुत ही सिंपल एंड प्यारा लग रहा था। एंड वीडियो जो है वो रुक गई है। इसी तरह से जो है कम्प्लीट वीडियो जहाँ तक थी वो यहीं तक ही बस यूं ही है, पता नहीं क्यों क्या मसला हो गया था। सो सॉरी फॉर दैट। मैंने रिकॉर्डिंग की थी बट वो कोई प्रॉब्लम हो गया था मेरे मोबाइल में, जिसकी वजह से ये रिकॉर्डिंग यहीं तक रुक रही है और आगे नहीं चल रही। सो वी गोना मूव टू द स्लीव्स। ये काम जो है वो हमने स्लीव्स पे किया था। बहुत ही आसान है, इंतहाई आसान है। अगर आप लोग जो है वो देखेंगे काम और तो आप लोगों को नहीं भी आता, इफ़ इवन कि आप लोगों को अगर काम आते ही नहीं, ये काम होता कैसे। सो आप लोग अगर ये भी देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह से जो है वो काम किया गया है। अगर आपको मज़ीद डिज़ाइंस चाहिए, मज़ीद आइडियाज़ चाहिए, और भी अगर आप चौक चाहते हैं कि कौन कौन किस तरह से बेबी गर्ल्स के ड्रेसेस पर काम हो सकता है, तो काइंडली आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि आप लोग मेरे चैनल का विज़िट करें, मेरे चैनल की मज़ीद वीडियोज़ देखें। बेबी गर्ल्स के कढ़ाई के अगर आपको देखने हैं तो मोर दैन 200 वीडियोज़ हैं, आप लोग वो ज़रूर देखिएगा। आप लोग को फिर इस तरह से जो है वो आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से काम होता है, कौन कौन से डिज़ाइंस हैं, और फिर आप लोग जो है वो और भी इस तरह से आप लोगों को आइडियाज़ मिल सकते हैं। Now we will move to the panels। और अब जो है वो कलियाँ जो हमने डाली थी उसके ऊपर भी काम होगा और वो भी बहुत ही प्यारा एंड आसान है। सो आप लोग ये भी देखिएगा और वीडियो को गौर से देखिएगा ताकि आप लोगों को ये काम समझ में आए। Thank you.
एंड द ड्रेस इज़ रेडी. ड्रेस हमारा कंप्लीट हो चुका है. ऑल स्टेप्स जो है मैंने दिखा दिए थे आपको, किस तरह से हमने काम किया था. ईच एंड एवरीथिंग आपको मैंने क्लियरली एंड जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई है. आई होप आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आई होगी, कढ़ाई समझ में आई होगी, काम समझ में आया होगा. और जो चीज़ समझ में आई है, नहीं आई, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये ड्रेस कैसा लगा. आप लोग ये भी ज़रूर बताइएगा एंड आप लोग भी ऐसा ड्रेस बनाइएगा. ईजी है, इतना कुछ जो है वो मुश्किल भी नहीं था. ईद भी अन करीब है, अगर आप अपनी बच्चियों का बनाना चाहते हैं तो ज़रूर आप लोग इस तरह का ड्रेस बनाइएगा और पहनाइएगा उनको, बहुत ही अच्छा लगेगा. और सिंपल भी है, इतना कुछ हैवी भी नहीं है, मिरर्स वगैरह नहीं थे, आसान था. तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा. ये देखिए पैनल्स पर कितना खूबसूरत और नफीस हमने काम किया है. लुक एट द नेक, इसकी फुल ड्रेस में से जो नेक है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही खूबसूरत एंड प्यारी लग रही है. ये देखिए नेक पर काम बहुत प्यारा लग रहा था एंड बहुत जज रहा था. सीक्वेंस डालने से ड्रेस और भी प्यारा लग रहा था. आप लोग भी ज़रूर सीक्वेंस डालिएगा, अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं एंड शाइनिंग भी आती है. ये देखिए ये इसकी नेक का बीच में जो है वो बाहर वाले जो आप छोटे से फ्लावर्स देख रहे हैं, एग्जैक्ट यही हमने बीच में तीन करके लगाए हैं जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं. बैक पर अभी बटन लगना बाकी है. सो दिस इज़ द टुडेज़ वीडियो. आई होप यू गाइस लाइक इट. अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे थम्स अप दें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें. मेरा चैनल अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें. ईद करीब है, जिनको आइडियाज़ चाहिए बच्चों के कपड़े बनाने, आप उनके साथ शेयर करें ताकि वो वीडियोज़ देख सकें और ईद के हवाले से अपने बच्चों के ड्रेसेस बना सकें. जिनको नहीं आती उनके साथ भी शेयर करें, जिनको आती है उनके साथ भी शेयर करें. सो 20K मेरे फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स हो गए हैं. थैंक यू ऑल गाइस, जो भी देखने वाले हैं तमाम, उन सब का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया. आप सब की बदौलत ये मुमकिन हुआ और भी बड़ी फैमिली हमें बनानी है एंड 100K करने हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह. सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.